हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन सफाई के बारे में बिल्कुल ये पोर है। यहाँ की नालियाँ टोटल बंद हैं और हर जगह पे म्यूनसिपलिटी वालों ने बंद डाल दिया है। बड़े बड़े टेम्पो के यार्ड बन गए हैं। अभी हमारे इधर आगे मोड़ पे यहाँ से जो म्यूनसिपलिटी का ये गंद जो जाता है, ये सीधा आगे मोड़ के बिल्कुल साथ ही में इसको नीचे लगाते हैं और 10-15-20 दिन के बाद इसको आग लगा देते हैं। इससे पूरा रामबन जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। हमने इस बारे में ईओ रामबन से भी 2-4 दफ़ा दरख्वास्त की कि भाई ये जो आप यहाँ गंद डालते हो, इसको आप कम से कम भी रामबन से 8-10 किलोमीटर दूर लेकर कहीं कोई बड़ा सा खड्डा बनाइए और उसको मैं उसको बंद कर दिया। लेकिन वो आए दिन वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। पड़ेंगे ये कोरा चक्कर डाल चुके हैं। नालियों की हालत क्या है, बहुत खस्ता हालत है रामबन में। साफ सफाई का कोई निज़ाम नहीं, साफ सफाई के लिए बारे में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ये जो पिछली 5 साल में हालत थी, जो पिछली सरकार के दौर में, उससे भी बदतर हो गई। अब तो हद ये हो गई है कि लोग जब गलियों से गुजरते हैं, लोग जब कूड़ादान देखते हैं तो वो कहते हैं भला वो स्वच्छ भारत है कहाँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग रामबन से बाहर जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि वो स्वच्छ भारत अगर है तो है कहाँ। रामबन की हालत देख के तो हम बोलते हैं अच्छे दिन को भैया रहने दो, हमारे बुरे दिन लौटा दो। पहले वाले जो स्वच्छ भारत का सवाल है, और ख़ासकर मैं ईओ रामबन जो है म्यूनसिपलिटी का, उससे गुजारिश करूँगा कि वो पर्सनली वार्ड वाइज पूरी गलियाँ, पूरी नालियाँ, पूरे मोहल्लों में, हर वार्ड में अपनी टीम लेके जाए और देखे कि हालत क्या है। यहाँ फिर हमने कल आदमी लगाए थे, आज वो गाड़ी में उठाकर फिर ये मलबा ले गए हम सर। दूसरा सर ये है कि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए सर, लोगों की कोऑपरेशन होनी चाहिए कि वो डस्टबिन हर जगह लगाए। हमने सुबह में डेली रोड पर निकलता हूँ ताकि वो डस्टबिन में डालें, हमारे आदमी चले जाएंगे वहाँ से उठाकर उसमें ऑटो में डालकर उसको उठाएंगे। बाकी रही वो कूड़ा डालने की सारी जगह, वो हमने वो कहीं ACR साहब से रिक्वेस्ट की थी, लेट आइडेंटिफाई की हमने चंद्रकोट में। अब उसका प्रोसेस चल रहा है कि जैसे वो प्लांट बन जाएगा तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी आस्ता आस्ता। म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से अपील करते हैं कि सैनिटेशन के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, और आप भी स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके उनके नोटिस में ये बात लाएं। रामबन से ताहिर मुश्ताक, कश्मीर अनहर्ट के लिए।